हेलो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत हमारे चैनल एक्स वाई जेड वीडियो मुकेश में। तो आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल पर एक्स वाई जेड वीडियो मुकेश है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर सरकारी योजना से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों कोई भी फार्म हो, कोई भी हो, तो दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और सरकारी योजना जितनी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी नोटिफिकेशन आल पे क्लिक कर दें, जिससे होगा ये कि आप जितनी भी सरकारी योजना है दोस्तों उसका आप घर बैठे आसानी से लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त आनी है वह किस तारीख को आएगी। और दोस्तों इस बार जो पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त है वह 4000 रुपये आई, क्योंकि पीएम किसान की 2000 रुपये की और सीएम की 2000 रुपये यानी 4000 रुपये आएंगे। दोस्तों इसमें सबको पता होगा कि 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, और 2.80 करोड़ से अधिक की धनराशि लोगों के खाते में स्थानांतरित की जाती है। और दोस्तों आप सबको पता होगा कि इसकी जो शुरुआत है पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी, जो कि बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हर बरस लोगों के खाते में 6000 रुपये दिए जाते हैं और पीएम जो सीएम है उनके भी 2000 रुपये 3 माह के अंदर दिए जाते हैं, यानी 6000 रुपये ये दिए जाते हैं। दोस्तों 12000 की साल पड़ जाती है। इससे किसान भाइयों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, जिससे किसान भाई अपनी फसल को हष्ट पुष्ट बना के रखते हैं, जिससे जो पैसा आता है उसके थोड़ा बहुत यूज करके किसान। दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त है वह 28 तारीख को खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर बिल रिलीज द 16 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑफ 28 फरवरी 2024, यानी 28 फरवरी को जो पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त है 16वीं वह रिलीज की जाएगी। दोस्तों तो आप सबको पता है कि जिन जिन को कोई दिक्कत है तो दोस्तों सभी से करवा लें, और जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो केवाईसी नहीं हो केवाईसी करवा लें, और जो स्टेटस पहले स्टेटस चेक कर लें, स्टेटस कैसे चेक कर लें उसको हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिससे आप घर बैठे देख सकते हैं। और जो दिक्कत है इसमें लैंड सीडिंग की दिक्कत है तो वो भी हम थोड़ा जानकारी दे देंगे, और जो स्टेटस कैसे चेक करना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आप दे देंगे इसी वीडियो में। दोस्तों आप सबको पता है कि इस योजना के माध्यम से सभी को बहुत सा लाभ मिलता है। दोस्तों किस चिंता करने वाली बात नहीं, 28 फरवरी को जो पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त सभी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जिसमें लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और 2.80 करोड़ से अधिक लोगों को पैसा मिलेगा इनके खाते में, 2000 रुपये 4000 रुपये यानी 2000 पीएम किसान सम्मान निधि की और 2000 रुपये सीएम के डाले जाएंगे, 4000 रुपये सभी के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। दोस्तों अब और दोस्तों यहाँ पे लैंड सीडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे। दोस्तों जिन लोगों को दिक्कत आ रही है स्टेटस चेक करने के बाद कि लैंड सीडिंग दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों या तो पटवारी से चेक कर अपडेट करवा सकते हैं, या फिर खुद से अपडेट करने के लिए आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे, स्टेटस चेक कर लेना। स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पे जो लैंड सीडिंग की दिक्कत आ रही है कि लैंड सीडिंग नहीं, यहाँ पर आप आधार नंबर डालना है और कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, हो सकता है अब यहाँ हमें बैक हो जाते हैं बैक हो। तो दोस्तों हमें थोड़ी जानकारी हम फिर भी दे देते हैं यहाँ पे कि जो स्टेटस कैसे चेक करना है। यहाँ पे आ जाते हैं जैसे नोए और स्टेटस पे, थोड़ी फिर भी हम थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं कि हमने आरटीटी वीडियो बना दिया उस पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नोए स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मांगेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है जिनके पास, तो दोस्तों यहाँ पे नोयो रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर सकते हैं, इनके पास आप डाल सकता है। जैसे हम यहाँ पे नोयो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर या मोबाइल नंबर से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैप्चा कोड भरने के बाद की OTP क्लिक, OTP डालने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आया कॉपी करने के बाद वहाँ पर डालने के बाद स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो दिक्कत होगी वो KYC करने की वजह से कर सकती है, लैंड सीडिंग की दिक्कत है लैंड सीडिंग कर सकता है। तो दोस्तों थोड़ी हमने जानकारी यहाँ पे दे दी है, और विस्तार से अगर जानकारी देना चाहते हैं आप तो हमने RED बना दिया है कि जो स्टेटस कैसे चेक करना है तो उसके बारे में वो स्टेटस आप कुछ देख लेना है, वीडियो देख लेना, जैसे स्टेटस आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितनी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप घर बैठे आसानी से सीख सकें। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हैं, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।